ये मामूली सा आज का आदर्श गांव का इतिहास मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हजारों साल पुराना इसका इतिहास जरूर है, मुझको ऐसा लग रहा। और हम लोग इसकी खोज भी करेंगे। अभी बता रहे थे कुछ लोग कि भाई भगवान बुद्ध का भी इधर से, तो भगवान बुद्ध का तो रास्ता ही था, जब वो गया से चलते थे इस रास्ते से तो जाते ही थे, तो मालूम ही है। और उनसे संबंधित बहुत चीजें होंगी। और ये गांव के अंदर का जो हमने दृश्य देखा है, ऊपर नीचे टीला नुमा, तो उसी से हमको लग गया है कि ऐतिहासिक जगह है। तो इसके चलते भी मैं इस जगह का अभिनंदन करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे खुशी है कि अहिनौला गांव में आए तो यहाँ ये पता चला कि यहाँ की मुखिया हैं श्रीमती अस्तोरनी देवी जी, उन्होंने अद्भुत काम किया। अपने बेटे विवेक अरोड़ा की शादी आशा कुमारी से करने का निर्णय लिया और बिना दहेज के करने का निर्णय लिया, और आज सब उस मंच पर मौजूद हैं। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और इसी तरह सबको मन बनाकर पहल की, सबसे पहले वह शराबबंदी की, शराबबंदी का कितना बड़ा असर पड़ा, बहुत लोग अपनी गाड़ी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में कमा देते थे, शराबबंदी के बाद अब वही पैसा अपने परिवार के बेहतर भरण पोषण के लिए लगा रहे। शराब पीकर आते थे घर में झगड़ा करते थे, अब कोई झगड़ा नहीं कर रहा। अब शराब पीकर आते थे तब झगड़ा करते थे, अब शराब तो पीना बंद हो गया, घर आते हैं बाजार से सब्जी लेकर आते हैं, और बड़ा ही प्रेम का वातावरण और अच्छा वातावरण, शांति का वातावरण घरों में है। तो इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता। लेकिन फिर भी छिटपुट इधर उधर वो नम्री धन्यवाद लोग तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही आता, उससे सचेत रहना। हम तंत्र को भी कड़ा कर रहे हैं, और अब पुलिस विभाग में महानिरीक्षक मद्य निषेध का पद सृजित किया, उस पर एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त भी किया गया, उनके साथ पूरा तंत्र लगाया गया। और एक बात और कहेंगे, अगर आपकी नजर में कोई गड़बड़ कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो मोबाइल फोन की तो अब कोई कमी नहीं है, हर गांव में अब बिजली पहुंचा दी गई है। तो हर एक गांव में बिजली का खंभा, उस बिजली के खंभा पर बोर्ड लगा रहेगा, अब वो नंबर लिखा हुआ रहेगा कि ऐसा कोई आपको दिख जाए गड़बड़ करने वाला तो उस फोन नंबर पर फोन कर दीजिए, और उसका सख्त और तत्काल कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी उसकी जानकारी आपको भी दी जाएगी। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, जो फोन करके सूचना देगा उसका नाम खोला नहीं जाएगा, उसका नाम गोपनीय ही रहेगा। इसलिए निडर होगा, इस काम को करिएगा। लेकिन ये सब काम तो हम लोग करेंगे और कर रहे हैं, गड़बड़ करने वाला पकड़ा जाता है, और उसकी गड़बड़ी में अगर सरकारी तंत्र का लोग शामिल है उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वह है जन जागृति। आप सब महिलाएं बैठी हैं, आपके कहने पर हमने शराबबंदी लागू किया, अभी आपका दायित्व बनता है कि निरंतर सजग रहिए, लोगों को समझाइए मत पियो। कोई अगर दो नंबरी कारोबारी से शराब लेकर पीने की कोशिश करता, समझाइए और बताइए कि अभी दो जगह, एक वैशाली जिले में और एक रोहतास जिले में, अभी हाल में जहरीला शराब पीने से कुछ लोग मर गए। बता दीजिए कि दो नंबरी धंधेबाज का शराब पियोगे मौत के शिकार भी हो सकते हो। लोगों को समझाइए और बताइए, और यह भी देखिए कि शराब छोड़कर कोई दूसरा मादक द्रव्य तो नहीं कर रहा, ये करना बहुत जरूरी। और बिहार का जो ये काम हुआ है इसका बहुत अच्छा संदेश देश भर में गया है, और अब देश के कोने कोने से लोग अध्ययन करने आ रहे हैं।